अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। इस वक्त हम लखनऊ के आदर्श कुष्ठाहार आश्रम में मौजूद हैं। लगभग 28 साल पुराना यह कुष्ठाहार आश्रम, इसमें 200 से ज़्यादा लोग रहते हैं। कोरोना का जिस तरह से कहर शुरू हुआ और लॉकडाउन का असर हुआ, इसके चलते इस आदर्श कुष्ठाहार आश्रम के लोग पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ना ही यहाँ पर सरकार की कोई मदद मिलती है और ना ही कोई यहाँ पर हालचाल लेने आता है। अगर दो वक्त का खाना कहीं से मुहैया होता है तो वो भी आम जनता या फिर निजी संस्थान के द्वारा। इस पूरे विषय में हमारे साथ बात करने के लिए यहीं आश्रम के ही कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं किस तरह की परेशानी और समस्याओं के साथ वो अपना ये पूरा समय गुजार रहे हैं। हमारे साथ देखिए दादा मौजूद हैं। दादा क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। दादा क्या उम्र है आपकी? मेरा 74 साल उम्र हो गया। और यहाँ पर कब से है? 1973 से। 1973 से। तो आपको क्या परेशानी, क्या प्रॉब्लम, क्या है आपको, क्या दिक्कत है शरीर में? मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कुष्ठ रोगी है। कुष्ठ रोगी है, देखिए आप देख सकते हैं पट्टी बंधी हुई है, लगातार पैर में जख्म रहता है, हाथ उंगलियां देख सकते हैं हाथ किस तरीके से। ये वो स्थिति है कि कुछ काम कर नहीं पाएंगे क्योंकि ना हाथ कुछ कर इनके किसी योग्य है। पैर में 24 घंटे पट्टी बंधी रहती है, पस आने लगता है, दवाइयाँ करने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। आप यहाँ पे कितने साल से हैं? आपको 35 साल से हैं। 35 साल से हैं। 35 साल से आप यहाँ पे, क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं प्रशासन सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से वही पेंशन ही, मैंने शुरुआत से पेंशन मिलता रहा लेकिन अभी कुछ लॉकडाउन होने पर पेंशन के बड़ा आना बड़ा मुश्किल हो गया है। और हम लोग को जो खाना पीना जो कुछ भी ये हो रहा है, ये हमारा दानी द्वारा है अपने यहाँ पर संचालित हो रहा है। पेंशन यहाँ पर पेंशन मिलती है, पेंशन के अलावा और भी, देखिए हमारे साथ बात, पेंशन के अलावा और भी कुछ यहाँ व्यवस्थाएं मिलती है प्रशासन की कि केवल पेंशन दे दिया बस काम खत्म? बस पेंशन के अलावा और कुछ नहीं सहारा है। आप लोग दानी द्वारा जो आम आदमी है जो थोड़ा थोड़ा राशन लाते हैं, हम लोग इकट्ठा करते हैं और 15-20 रुपये पर हम लोग बांट लेते हैं, वहीं से चल रहा है जो भी है। कितनी पेंशन आपको मिलती है? महीने की मिलती है कि 6 महीने की, साल भर की, किस तरह पेंशन मिलती है? महीने में नहीं मिलता है लेकिन 3 महीना में आपको उन लोगों को 7,500 रुपया देते हैं। 2,500 महीना में, मतलब महीने का 1,000 रुपया पेंशन आपको मिलता है? 2,500 महीने का, 2,500 पेंशन में महीने का पूरा खर्च निकालना है, उसी में इनको राशन पानी की व्यवस्था करनी है, उसी में इनको तेल पानी की व्यवस्था करनी है, उसी में इनको बच्चों को खिलाने की व्यवस्था करनी है, बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी है। उसी 2,500 में इस आश्रम में लगने वाली बिजली बिल भी देनी है। देखिए मैं और मेरे साथ है यहाँ पर, आपका शुभ नाम पहले बताइए। हमारा सिमरंदन पासवान है, मैं यहाँ के प्रधान हूँ। नंदन जी ये बताइए, यहाँ पर कुष्ठाहार में बिजली का बिल भी आता है तो वो बिल कैसे पे करते हैं? सरकार पे करती है कि आप लोग? हम लोग चंदा करते हैं, सभी घर में मीटर लगा है और जो चंदा करते हैं, जो बाकी है जो पंचायत से होता है, तो जो भी पंचायत से आपको दान द्वारा जो आता है उसे मिला के हम लोग जमा करते हैं। पहले मैं कुछ एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको, वो देखिए सामने मीटर लगा हुआ है, ये मीटर 3 फेज का मीटर है जिसका बिल जो है ये आश्रम के लोग अपने जेब से भरते हैं। और ये आश्रम का मूवमेंट मैं दिखा दूं कि आश्रम के जितने भी देखिए छोटे छोटे कमरे बना दिए हैं, इनके ऊपर एक कमरों में कितना परिवार कैसे रह लेगा इस गर्मी के मौसम में। इसमें लगभग 200 की संख्या में लोग रहते हैं, 200 की संख्या में लोग रहते हैं, इसी में बच्चे, बूढ़े, जवान, हर किस्म के लोग परिवार बना के रहते हैं। लेकिन इस परिवार में अगर बात करें प्रशासन की मदद की तो सिर्फ महीने का 2,500 रुपये देकर सरकार अपना पर्दा झाड़ देती है। प्रशासन कुछ भी इसके अलावा करने के लिए तैयार ही नहीं रहती है।
हमारे साथ देखिए एक और भाई मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि बिजली का जो बिल आता है लगभग, ये जो मीटर लगा हुआ है कितने वाट का है ये मीटर? ये 25 किलोवाट का है। 25 किलोवाट का मीटर है तो इसका लगभग कितना बिल आपको महीने का आता है? ये लगभग मनीष जी कि पिछले महीना तो 85,000 रुपया आया था, ठीक है, और मैंने 50 कम से कम फिर भी कितना आ जाता है कम से कम, ज़्यादा तो कभी बढ़ ही जाता होगा। कम से कम आता है मैंने सोची कि तभी भी मैंने 30-35 से सब जो ठंडे के समय में 30-35 हज़ार रुपये आता है। इस समय जब गर्मी चलता है तो हम लोग को जैसा बीमारी है ना तो गर्म बर्दाश्त नहीं होता हम लोग को एकदम। जाहिर है कि देखिए ये आश्रम है ये कुष्ठहार आश्रम है, यानी इसमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो कुष्ठ से परेशान है। कुष्ठ एक ऐसी बीमारी है जिसका जल्दी इलाज होना बड़ा असंभव है और इन लोगों को गर्मी में ही रहना पड़ता है, जबकि अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर खुद कहता है कि आप गर्मी से थोड़ा सा बचें, लेकिन इनके पास अगर कोई साधन है तो मात्र एक पंखा है या फिर किसी के कमरे में लगा हुआ तो कूलर, लेकिन वो कूलर की भरपाई इनको अपनी जेब से करनी पड़ती है। जैसे बताया जा रहा है कि सर्दियों में 30-35 हज़ार रुपये आता है और गर्मियों में कोई लिमिट ही 50 से ऊपर चला जाता है, लेकिन ये इसका जो भी बिल आता है वो प्रशासन नहीं देता है, ना ही सरकार देता है, ना क्षेत्रीय विधायक देता है, ना ही कोई दान कर्म करण आखिर कोई देता है, ये खुद अपनी ही जेब से देते हैं सब लोग जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनकी से थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके अपना और ये बिल जमा करते हैं, क्योंकि अगर ये बिल नहीं जमा करेंगे तो यहाँ पे बिल का बिजली कटने में टाइम नहीं लगेगा। आप ये बताइए कितने लोग हैं इस, मतलब यहाँ पे कितने कमरे बने हुए टोटल? यहाँ पे 52 है भैया। 52 जी, तो 52 में जितने भी लोग यहाँ पर रहते हैं कमरे में, क्या उन सबकी पेंशन बराबर आ रही है टाइम पर? नहीं, पेंशन सिर्फ हम लोग का जो है तो बहुत आदमी को जो अगली बार जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद से बहुत का पेंशन ही नहीं आया है। हाँ, और बहुत लोगों का और बहुत का जो है पेंशन आया है, और भी अभी जो मार्च में लास्ट आया था उसके बाद अभी तक पेंशन आया नहीं। यानी पिछले महीने जो यानी पहला स्टेज का जो लॉकडाउन लगा था उसमें 3 महीने का लेवल लॉकडाउन था, बताया जा रहा 3 महीने में कोई पेंशन इन लोग को नहीं मिली, और इस जो सेकेंड लॉकडाउन लगा इसमें कितने लोग की पेंशन आई है अभी तक? ये मार्च में एक बार आया था, वो सोचिए कि लगभग 30-35 आदमी का आया, बाद बाकी का अभी तक वैसे मैंने। कितने लोग के यहाँ पे पेंशन बंधी है? कितना अंदाजा है कितने लोग की बनी पेंशन? वही 72 का है। 70 लोग की पेंशन बनी है। देखिए हमारे साथ एक माता जी भी बैठी हुई हैं साथ, इनका शरीर देख के आपको लगता है कि ये कुछ कर पाएंगी आगे, क्योंकि जिस तरह से इनका हाथ देख लीजिए, पैर देख लीजिए, पूरी तरीके से ये भी कुष्ठ से परेशान है और सरकार ने इनकी पेंशन भी बांध दी है। पेंशन मिलती है महीने की 2,500, लेकिन हम इनसे पूछते हैं कि इनको कितनी पेंशन मिलती है ये वो हमें बताएंगी। माता जी क्या नाम है आपका? विद्यावती। आपका ये बताइए, सरकार ने पेंशन बांधी है तो कितने अब तक पेंशन आप ले चुके हैं? अभी तो अगले साल मिला एक बार, उसके बाद आईबे ना करा। ये लॉकडाउन में मिला था। साल में एक बार इनको पेंशन मिला है एक बार, और पिछले लगभग 10-11 महीने से कोई पेंशन नहीं, बंद है, इनको पता भी नहीं है। और रही बात, हम देखिए सरकार की इसमें गलती नहीं देंगे, गलती अगर इसमें है तो वो प्रशासन की है, अधिकारियों की है, क्योंकि सरकार तो अपनी जगह बैठी है लेकिन अधिकारी वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों की माने तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि अगर ये कुष्ठाहार आश्रम बना है, कुष्ठाहार आश्रम बना है तो यहाँ पर समय समय रहते उनको यहाँ पर लोगों की पूछताछ करना चाहिए, उनकी समस्याओं के बारे में जानना चाहिए। समस्याएँ तो दूर की बात है, यहाँ लोग जी भी रहे हैं या मर भी गए उनको ये भी नहीं मालूम है। अगर हम बात करें तो इस आश्रम में 200 लोग हैं, 200 में लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो इससे कुष्ठ से परेशान हैं? ये अभी कुष्ठ से परेशान जब से है 85 हुआ है। 85 लोग लगभग हैं, 85 लोग हैं, लेकिन एक कोई भी यहाँ पर कम से कम एक छोटा सा यहाँ पर एक मेडिसिन सेंटर होना चाहिए। रात बिरात में इनको पट्टी की ज़रूरत पड़ती, बीमार पड़ते हैं, किसी तरह कोई भी दिक्कत होती है तो ये कहाँ जाएंगे?
इसके भी बहुत बड़ा देखिए बड़ी समस्या का साथ है ये, क्योंकि यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई भी मेडिसिन की व्यवस्था भी नहीं है। अगर यहाँ कोई तबीयत ख़राब होती है किसी बच्चे की बुज़ुर्ग की तो कैसे उसको किस अस्पताल में कहाँ लेके जाते हैं आप लोग? आपको लोकबंधु हॉस्पिटल जो सामने है वो भी अगर ले रहे हैं तो ले रहे हैं। इस समय जो आपको लॉकडाउन चला है, हाँ कोरोना चला है, तो कभी कभी लौटा भी देते हैं, तो आसपास में जो हमारा डॉक्टर को ये रहता है उसी से हमारा मदद कर। कितना पैसा लेता है डॉक्टर आपसे? हाँ कितना पैसा ले लेता है डॉक्टर? डॉक्टर आपको 200-300 रुपया लेते हैं। यानी अगर देखिए जाहिर है कि कोरोना का समय है, इस आश्रम के सबसे नज़दीक एक ही सरकारी हॉस्पिटल है, वो भी लोकबंधु हॉस्पिटल, उसे भी पूरी तरीके से कोरोना सेंटर बनाया गया है जहाँ पे ओपीडी बंद है, कोई भी ट्रीटमेंट इलाज नहीं है। अगर इनको थोड़ी सी भी कोई समस्या होती है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है, प्राइवेट अस्पताल प्राइवेट डॉक्टर से मिलना पड़ता है और इनकी जेब से 150-200 रुपये चला जाता है, और ये 150-200 रुपये उसी से जाता है जो इनको महीने का 2500 रुपये जो इनको पेंशन मिलती है। इस तरीके से अगर कैसे अपना जीवन यापन करते हैं मैं तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दिन और रात किस तरीके से इनका समय बीत रहा है ये खुद भी नहीं बता सकते हैं किस तरह से ये जी रहे हैं। अगर मैं इनके खाने की बात करूं तो ये देखिए कुछ सामान यहाँ रखा हुआ है, तेल है, साबुन है, निरमा है, वॉशिंग है, और आलू दाल प्याज, ये वो लोग सामान वो लोग देके जाते हैं जो कि जनता है, कोई अधिकारी रैंक के नहीं है, लगभग जो छोटे प्राइवेट संस्थाएं चलाती है, एनजीओ चलाते हैं, जो समाज सेवक है, ये वो लोग हैं जो महीने में 15 दिन में 2 महीने में 15 महीने में 2 बार इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके राशन वो देते रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि 200 लोगों की क्या वो राशन की व्यवस्था, खाना इनका पूरा होता है, जो राशन आता है आप लोग के पास क्या वो पूरा हो जाता है आप लोग के लिए? नहीं होता, जो माने सभी के मदद से हो जाता है, ये जो सभी के जो थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं तो हो जाता है, तो 10 किलो 5 किलो अपने ये हो वो घरों घरों में बांट देते हैं। जिस दिन हमारा यहाँ पर भंडारा नहीं बनता है, यहाँ भी भंडारा बनता है, अगर जिस दिन नहीं बनता वो भंडारा कौन तैयार करता है, जो यहाँ भंडारा बनता है उसे कौन तैयार करता है? ये दानी लोग को आते हैं ना, कोई कोई बोलता है किसी का कि हमारा फादर ख़त्म हो गया है तो उसके नाम से मैंने पैसा दे जाते हैं, बोले कि बाबा आप लोग बना लीजिएगा खा लीजिएगा। जिस रोज दानी का भंडारा रहता है तो सबके लिए सामूहिक बनता है, जिस रोज नहीं भंडारा बनता है हम लोग का तो यो जो थोड़ा किलो 1 किलो 2 किलो 10 किलो 5 किलो जो भी आते हैं उसको हम लोग स्टोर में जमा करते हैं। उसको स्टोर में जमा करने के बाद देखते हैं कि एक एक मग्गा, दो दो मग्गा, तीन तीन मग्गा बांटने लायक हो गया तो वही घर में बांट देते हैं। आखिरी बार आपको याद है आखिरी बार यहाँ पर कौन अधिकारी या कौन मंत्री या कोई विधायक आया था यहाँ मदद के लिए आखिरी बार? विधायक उधायक तो हमारे यहाँ तो अभी आए नहीं है कोई। कोई प्रशासन का कोई अधिकारी, इस विभाग का कोई अधिकारी, कोई भी कुछ याद है आपको? एक बार बने वो कमलेश जो कब आए थे, लगभग कितना समय हो गया? लगभग वही 1.5-2 महीने हो गए। ये भी सोचना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर जाहिर है कि अगर कोई बार बार आएगा तो कुछ याद भी रहेगा, लेकिन कोई अगर साल भर बाद महीनों बाद आएगा तो कौन किसको याद करेगा। और रही अगर बात करें प्रशासन की, क्षेत्रीय विधायक की, क्षेत्रीय मंत्रियों की, वो तो यहाँ पर झांकते भी नहीं है। तो इस तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है ये कुशहार आश्रम में। लेकिन बात अगर हम करें तो शासन से एक और अनुरोध जरूर करेंगे कि पेंशन जो आप लोग दे रहे हैं वो पेंशन भी समय से इन लोग को नहीं मिल पा रही है। इसके साथ अगर हो सके तो एक यहाँ पर निःशुल्क कैंटीन की, भोजनालय की व्यवस्था ज़रूर करा दें और एक मेडिसिन मेडिकल की व्यवस्था भी करा दें, क्योंकि अगर भोजनालय और साथ में एक मेडिकल सेंटर यहाँ पर अगर लग जाता है सेंटर तो इनको काफ़ी हद तक छूट और मुहैया मिल सकती है। क्योंकि इस समय पर सिर्फ अगर इंसान के पास 2 वक्त का खाना नहीं मुहैया हो पा रहा है तो जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लॉकडाउन का समय, हर कोई जगह जगह रोड के किनारे, सड़क के किनारे स्टॉल लगाए हुए दे रहे हैं, नाश्ता पानी खाना दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं रोड के किनारे, लेकिन रियल में जिनको ज़रूरत है, जो इस योग्य है, उन तक ये सुविधाएं पहुंच ही नहीं रही है। अगर इसी तरह से हम बात करें तो हमारे साथ देखिए और भी कई लोग यहाँ पर हैं, अभी सब जितने हैं सब अपने काम में बिज़ी हैं, घर में है, साफ़ सफाई में कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी यहाँ पर रह रहे हैं, देखिए किस तरह से हैं। अगर इनकी हम देख रेख की बात करें तो कोई देख रेख करने वाला नहीं है,
यानी 2500 रुपये महीने में अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। अगर हम बात करें कि यहाँ पर, जैसे मैंने अभी पूछा आपसे, कोई यहाँ पर आया कि नहीं आया, आपने मना कर दिया कि पता नहीं, मुझे याद नहीं सही, आप सोचने भी लगे कि लास्ट टाइम कौन यहाँ पर आया कौन नहीं आया। अगर आप बात, अगर हम आपसे पूछें कि शासन से आप क्या मदद चाहते हैं, तो क्या मदद मांगेंगे? देखिए, शासन से कोई मदद आते हैं, जैसे जो जाहिर है कि जनता आती है मदद करती है, तो उस मदद से तो आप लोग का भला हो नहीं पाता, शासन से क्या मदद? सबसे बड़ी समस्या है हमारा बिजली का बिल, ठीक है, और ये जो हमारा जो घर देख रहे हैं, घर की अवस्था बिल्कुल जर्जर अवस्था है, ठीक है। इसलिए जब हम लोग दानी दाताओं से बोला कि बाबूजी हमारा एक शेड लगा दीजिए, ताकि अंदर की जो मकान है ना, बहुत जर्जर अवस्था है, कब छत गिर जाएंगे कोई ठीक ठिकाना नहीं है, तो वही बाबूजी को बोले तो उन्होंने लगवा दिया। तो देखिए, घर में हर एक शेड के नीचे तख्त लगा हुआ है, इसी का अंदर में ही हम लोग घर का माने गुजर बसर करते हैं बाल बच्चों लेकर के। मैं एक चीज़ थोड़ा सा और वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको, ये जो टीन शेड जो बताया जा रहा है, जो टीन शेड लगी है, ये किसी सरकार ने या किसी प्रशासन ने मुहैया नहीं कराई है, ये ऐसे ही किसी दानवीर ने मुहैया कराई है। और जो यहाँ के कमरे बने हैं, जाहिर है कि जो LDA बनाता है या फिर जो भी प्रशासन बनाता है, कमरों की स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है, लगभग 23 से 24 साल पुराने ही कमरे हो चुके हैं, और 40 लगभग 40 साल बताया जा रहा है, 40 साल पुराने यहाँ पे कमरे हो चुके हैं, और ये सारे सब जैसे अभी बताया कि बिल्कुल पूरी तरीके से डैमेज होने वाले हैं, वो भी आम जनता की मदद से आगे की टीन शेड डाली गई है, जिससे कि उनको थोड़ी सी और सुविधा हो सके, इन्होंने देखिए बताया। और दूसरा, बिजली का बिल हम सरकार से इतनी ज़रूर मांग करेंगे कि बिजली का बिल इनको पूरी तरीके से माफ़ किया जाए, क्योंकि यहाँ बिजली का बिल सिर्फ जीने के लिए ही चलता है, ना कि यहाँ पर कोई अय्याशियों के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि यहाँ पर किसी, यहाँ AC नहीं लगा है। और क्या आप मांग करेंगे सरकार से अपनी? बस हम लोग को दो वक्त की रोटी चाहिए और घर, कपड़ा, मकान, इसके अलावा क्या है बाबूजी, हम लोग को बस किसी तरह जीवन कट जाए हम लोग का बस। हम जाहिर है कि मैं कोशिश करूंगा हमारा ये जो वीडियो है, हमारी जो खबर है, शासन तक पहुंचे और उनकी मांगों पर ध्यान दें। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।